का 10 का क्वेश्चन 3 का सी बना रहे हैं, कौन सा 3 का सी बना रहे हैं। 2016 का है क्वेश्चन, आईसीएसई 10 का क्वेश्चन है 3 का सी। ठीक से देखो इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन समझते हैं हम लोग। नो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन हम लिखेंगे, हमें गिवन है, क्या लिखेंगे गिवन, क्या है 3a + 2b = 5a + 3b = 18 / 18 = 29। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। ये जो रेशियो है, ये रेशियो है साइन बाई मिल जाएगा, इसका मतलब बाई का मतलब बाई होता है 3a + 2b / 5a + 3b = 18 / 29। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करते हैं हम लोग, 29 3a + 2b = 18 5a + 3b अंदर इंटू कर दो, 2 देखे कितना आएगा 6a, नहीं नहीं 29 है ना ये, 3 9 27 ना, 3 2 6 और 2 8 हो गया a प्लस, ऐसे इसको कर देंगे तो 2 9 18 4 5 b = 18 5 90 a + 8 3 24 3 2 5 इतना हो गया हम लोग के पास b। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला जो भी टर्म एक तरफ बाकी का एक तरफ करेंगे, तो क्या हो गया हम लोग के पास 87a - 90a, तो ए वाला टर्म था ना, तो एक तरफ कर लिए, फिर क्या लिखेंगे 54b - 58b। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, क्या कितना है -3a - 3a, क्या लिखेंगे -4b लिखेंगे ना, माइनस से माइनस क्या होगा, कट गया ना, तो ये क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से बी हटेगा तो नीचे जाएगा, यहाँ से हटा तो बी नीचे चला गया ना, ठीक है 4 यहाँ से हटेगा तो नीचे जाएगा 3 चला गया ना, तो ये क्या हो गया, ये ना पूछा था हम लोग से, हम लोग से पूछा था a = b का भी पूछा था, उनका ली थी 4:3, हम लोग इस तरह से क्या हो गया, हम लोग तो आंसर हो गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था ना 2016 3 का सीम, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई की a को एक तरफ, नंबर को एक तरफ ना, और a = 4:3 आंसर हो गया, क्लियर है, 3 मार्क्स का 3 मार्क्स में, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है।